आज इतवार है 14 अगस्त सन 2022 ईस्वी, मुहर्रम की 15 तारीख 1444 हिजरी। रोजनामा कश्मीर ट्रिब्यून से पेशा खदमत है आज की सुर्खियां। आज की सुर्खियां सुनने वाले सभी सामाइन को जान मोहम्मद का सलाम कबूल हो। कश्मीर से दिल्ली तक सख्त तरीन हिफाजती इंतजाम, हसास मकामात पर इजाफी फोर्सेस दस्ते तैनात, कई मकामात पर गाड़ियों और राहगीरों की चेकिंग। सरहदों पर फौज की चौकसी की वजह से दरअंदाजी सिफर तक पहुंच गई फौजी सरबरा लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र देवदी। शुमाली कश्मीर में भी सिक्योरिटी के हालात का भी लिया जायजा। हम बेगुनाहों को हाथ न लगाएं और मुजरिमों को न छोड़े की पॉलिसी पर अमल पैरा। जम्मू कश्मीर में अमन, तरक्की और खुशहाली हमारा वादा। एक साल में अस्करियत पसंदी के ताबूत में आखिरी किल ठोक देंगे जेएनके एलजी मनोज सिन्हा। जिन हाथों में पत्थर हुआ करते थे आज तिरंगा लहरा रहे हैं अमित शाह। आजादी की 75वीं सालगिरह पर हर घर तिरंगा मुहिम, अमित शाह ने घर पर तिरंगा लहराया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक साथ तिरंगा लहराएं, मेरा ख्वाब पूरा हुआ वजीर दाखला। कश्मीर में 15 अगस्त से 19 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई। डोडा में पीडीडी लाइनमैन करंट लगने से अजान। मशरकी लद्दाख और दीगर इलाकों की सरहदों पर हालात ठीक नहीं होंगे तो चीन और भारत के ताल्लुकात मामूल पर नहीं आएंगे जयशंकर। शाह फैसल मरकजी वजारत सयाहत में डिप्टी सेक्रेटरी तैनात। शाह फैसल ने जनवरी 2019 में अपना इस्तीफा पेश किया था। मुल्क दुश्मनी टेरर फंडिंग हवाला लेन देन में मुलवस मुलाजमीन के खिलाफ हुकूमत की कार्रवाई जारी। खातून के एस ऑफिसर समेत 4 मुलाजमीन को नौकरियों से फारिग कर दिया। मुल्क की आन बान शान इज्जत और एहतराम पर आँच नहीं आने देंगे वजीर दिफा राजनाथ सिंह। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 25 डीडीसी और बीडीसी इमारतों की संगे बुनियाद रखी। जम्मू कश्मीर यूटी में 1000 अमृत सरोवरों का भी किया इब्तिदा। जम्मू कश्मीर में 73वीं और 74वीं आईनी तरमीम के निफाज ने निचली सतह की जमहूरियत को एक नई जिंदगी दी है एलजी मनोज सिन्हा। मरकजी जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर में फुल ड्रिल रिहर्सल के सिलसिले में तकरीबात का एहतमाम। शेर कश्मीर स्टेडियम श्रीनगर में सूबाई कमिश्नर ने तिरंगा लहराया और मार्च पास पर सलामी ली। जिला बारामूला के नौगाम कंडी रोड जमींदार मुआवजा लेने से महरूम। ईदगाह श्रीनगर में ग्रेनेड हमला, सीआरपीएफ नौजवान जख्मी, शहर में सिक्योरिटी मजीद सख्त। गांधरबल हादसे में 6 सीआरपीएफ एहलकार जख्मी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने राजभवन के अमले में कौमी परचम तकसीम करके हर घर तिरंगा मुहिम का किया आगाज। शहदा और आजादी पसंदों को खराज अकीदत पेश किया। नायबी वजीर आला मनीष सोदिया ने मोदी हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि मोदी की दोस्ती ने मुल्क की मशियत को तबाह कर दिया। जम्मू डिवीजन में हुबल वतनी के जज्बे के साथ फुल ड्रेस रिहर्सल का इनेकाद किया गया। डिविजनल कमिश्नर ने तिरंगा लहराया, एम ए स्टेडियम में परेड का मुआयना किया। आजादी का अमृत महा उत्सव के मौके पर हर घर तिरंगा मुहिम के तहत सदर मकाम पुछ पटवार खाना में लहराया गया तिरंगा। सरहदों पर लोगों की हिफाजत बीएसएफ की अवलीन तरजियात में शामिल। डीआईजी बीएसएफ की कयादत में करना में तिरंगा रैली का इनकार। हुकूमत की तरफ से डॉक्टरों पर प्राइवेट प्रैक्टिस पर पाबंदी आयद। यूपी में एक 14 साल दलित लड़की की असमत रिजी के मामले में 3 अपराध पर मुकदमा दर्ज। हिमाचल प्रदेश में शदीद बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से अब तक 192 अपराध हलाक। वादी कश्मीर में अखरोट के दरख्तों का सफाया जारी। बेशकीमती दरख्तों को काटने में मुतल्लिका महकमे जात और ठेकेदारों के दरमियान साजबाज। कानून हर एक के लिए बराबर, किसी को मनमानी की इजाजत नहीं दी जाएगी। 15 अगस्त के बाद फुटपाथों को खाली करने, जबरदस्ती कब्जा हटाने के खिलाफ भरपूर मुहिम शुरू की जाएगी सूबाई ऑफिसर। हर घर तिरंगा मुहिम के तहत सरगर्मियां तेज। बीजेपी ने अनंतनाग में तिरंगा रैली का किया आगाज। शहरों और कस्बों में भिखारियों की भरमार, हमें सामाजिक सतह पर इस मसले का संजीदा नोटिस लेना होगा। अमेरिका में साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के घर की तलाशी, टॉप सीक्रेट दस्तावेजात बरामद करने का दावा। अमेरिका में महंगाई से निपटने के लिए सैकड़ों अरब डॉलर का पैकेज। मेक्सिको की जेल में कैदियों के दरमियान खूनी लड़ाई, 4 अपराध हलाक। कानूनी तौर पर मैं अब भी अफगानिस्तान का सदर हूं अशरफ गनी।
किम जोंग की हालत तश्वीशनाक, बैन ने कोरोना की तस्दीक कर दी। काबुल में खवातीन का एहतजाज तालिबान की तरफ से किया गया मुंतशिर। हिंदुस्तान एशिया कप जीतने का दावेदार है पोंटिंग। खिलाड़ी मुल्क के नौजवानों को मुतासिर कर रही हैं मोदी। राहुल को कप्तान बनाए जाने पर तनकीद। हैदराबाद में 100 करोड़ के रेस की तैयारियां अरूज पर। न्यूजीलैंड ने सीरीज 90 रनों से जीत ली। आप समाप्त कर रहे थे आज की सुर्खियां। दीजिए अपने मेजबान जान मोहम्मद को इजाजत। अल्लाह हाफिज।